नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं जूही हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनारस में शुरू किया गया दीदी कैफे, अब प्रयागराज के सीएमओ कार्यालय में भी खुल गया है। नगर निगम और डूडा के सहयोग से इसका संचालन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ये योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है, जिसे यूपी के कुल 16 नगर निगम वाले शहरों तक विस्तार किया जाएगा। आईपीएल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश टी20 लीग के लिए सभी फ्रेंचाइजी आज लखनऊ में जुटेंगी। यहां फ्रेंचाइजी के नामों की घोषणा के साथ ही लोग अपनी टीम के लिए खिलाड़ियों पर बोली भी लगाएंगे। लखनऊ में आज शाम तक ये तय हो जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम के लिए खेलेगा। लीग की शुरुआत 30 अगस्त से हो सकती है, जिसमें 6 टीमें प्रतिभाग करेंगी। यूपी पुलिस ने अपराधियों का क्राइम डेटा तैयार करने के लिए जिले के एक पुलिस स्टेशन में अपराधियों और प्रतिबंधित लोगों का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए स्कैनिंग मशीनें लगाई गई हैं। डेटा सेव होने के बाद कानून तोड़ने वालों का रिकॉर्ड त्रिनेत्र ऐप और यूपी कॉप ऐप पर नो योर क्रिमिनल के तहत फोटो, पता और आईपीसी की धाराओं के साथ अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद अपराधी का फिंगरप्रिंट, नाम, रेटिना और जन्मतिथि डालते ही आधार कार्ड जैसा पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। 12 साल बाद भारत में हो रही आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ताजमहल पहुंच गई है। 27 जून से शुरू हुए वर्ल्ड टूर के तहत ट्रॉफी 18 देशों का सफर तय करके भारत लौटी है, जिसके बाद उसे देश के अलग अलग शहरों में ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में अक्टूबर से नवंबर के बीच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 48 मैच खेले जाएंगे। इसका पहला मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में होगा। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के चलते प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। भाजपा ने इस उपचुनाव के लिए दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं सपा की ओर से सुधाकर सिंह मैदान में है। बसपा की ओर से अपना उम्मीदवार नहीं उतारने के चलते घोसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधे टक्कर देखने को मिल सकती है। प्रयागराज के अतीक अहमद हत्याकांड पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में तीनों आरोपित शूटरों पर चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए जाने हैं। प्रतापगढ़ जिला जेल में बंद तीनों शूटरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होनी है। बीते 10 अगस्त को हुई सुनवाई में सनी लवलेश व अरुण ने कोर्ट में पसंदीदा वकील नियुक्त करने की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 16 अगस्त तय की थी। यूपी में किसानों को बीज खरीद पर सब्सिडी देने में करीब 60 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विभागीय घोटालेबाज सासना देश को दरकिनारे कर किसानों को दी जाने वाली डीबीटी योजना को मनमाने ढंग से चला रहे हैं, जिसके तहत किसानों को बीज की खरीद पर सीधे सब्सिडी न देकर मनचाही कंपनी को मनचाही दर पर बीज खरीदने का ठेका दे दिया गया है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास हुआ दर्दनाक हादसा, यहाँ पुराने इमारत गिरने से 5 की मौत, 4 लोग हुए घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर वृंदावन हादसे पर दुख जताया है, साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश देते हुए घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। 24 जुलाई को शुरू हुए ऑपरेशन तलाश के जरिए यूपी एटीएस ने 6 जिलों में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया था। 15 अगस्त तक चले इस अभियान में 1045 संदिग्धों की तलाश की जा चुकी है। उसके पास कोई स्थानीय दस्तावेज नहीं मिला है। इनमें से अधिकतर लोग मजदूर वर्ग के हैं, जो ईंट भट्ठे, मजदूरी और कारोबार के सिलसिले में आए हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के मुताबिक बरेली जिले की 6% महिलाएं तंबाकू का सेवन कर रही हैं, तो वहीं 0.3% महिलाएं नियमित रूप से शराब का सेवन कर रही हैं। ये सर्वे 15 साल से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं पर किया गया है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं नशे की चपेट में हैं। लड़कियों में तंबाकू चबाने के मामले 1% भी नहीं है, लेकिन जिले की 1.6% लड़कियां सिगरेट का सेवन कर रही हैं, जिसे भविष्य के मद्देनजर खतरनाक बताया जा रहा है। आज के यूपी की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।